हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसका स्थापना 1885 में एओ होम द्वारा किया गया था। इस कांग्रेस पार्टी को बनाने का मकसद ये था कि हमारे देश के जितने भी समस्या हैं उन सभी को ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के आगे रखा जाए, और यह इस वक्त हमारे देश में मेजर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है। तो आज हम इस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ अच्छे और कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अच्छे डिसीजन के बारे में। स्वतंत्र आंदोलन, हमारे देश भारत को ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से आज़ाद करवाने में कांग्रेस पार्टी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। पार्टी नॉन वायलेंस तरीका से महात्मा गांधी के लीडरशिप में हमारे देश को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाकर और लोगों को बताकर समझाकर। ग्रीन रिवॉल्यूशन, कांग्रेस पार्टी के कुछ अच्छे पॉलिसीज में से एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960 से 1970 के बीच कांग्रेस और देश को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने यह डिसीजन बनाया ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने का। इसमें यह था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सीड, अच्छे सीड को यूज करके एग्रीकल्चर को और ज़्यादा तरीका से प्रोड्यूस किया जाए, ताकि हमारे देश में जो भुखमरी थी उससे सामना किया जा सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 में लाया गया यह रिफॉर्म। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंशियल मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन दोनों के लीडरशिप के अंदर में यह इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। इस रिफॉर्म में यह था कि 1991 से पहले कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ पाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इस वजह से हमारा इकोनॉमी ग्लो नहीं कर पा रहा था, और 1991 के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना आसान हो गया और इसके वजह से हमारा इकोनॉमी ग्रो करने लगा। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया है तो वह इमरजेंसी का डिसीजन था। 1975 The then Prime Minister Indira Gandhi made this announcement that you are about to hear on the All India Radio. The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. Indira Gandhi जब PM थी हमारे देश की, तो 1975 से 1977 के बीच यह emergency का period था। इस बीच जितने भी opponent leader थे उन सभी को जेल में बंद कर दिया गया, मीडिया पे censorship impose कर दिया गया, और किसी को राइट टू फंडामेंटल राइट भी नहीं था। क्रिटिसाइज डिसीजन में दूसरे नंबर पर है सिख मैसेकर। 1984 में इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन के बाद देश में कई जगह पर वायलेंस हुआ, और इस वायलेंस का ज़्यादातर भुगतान सिख को चुकाना पड़ा। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले का यह कहना है कि उस टाइम कांग्रेस पार्टी इस मैसेकर को रोकने में नाकामयाब रही थी। तीसरा आरोप है भ्रष्टाचार का। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कई समय से भ्रष्टाचार से बचा नहीं पाई है, जैसे 2GB स्पेक्ट्रम स्कैम हो या कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, और भी कई सारे आरोप की वजह से कांग्रेस को काफ़ी बार इलेक्शन में भी बैकलेस देखने को मिला है। यह कुछ पॉइंट था जो कि मेरे इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड था। आपका ओपिनियन या आपका व्यू मुझसे अलग हो सकता है। अगर आप कहीं पे डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।